1993 का बम धमाका आपको याद होगा, जिसमें संजय दत्त का भी नाम सामने आया था। 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों को लेकर अजमेर स्थित टाडा मामलों के विशेष न्यायालय में सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 29 फरवरी को इसका फैसला सुनाया जाएगा। इस मामले में आरोपित आतंकी अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, इरफान और हमीमुद्दीन जेल में अभी बंद है। पहले टुंडा उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद जेल में बंद था, जहां से उसे 24 सितंबर 2023 को अजमेर लाया गया था। बम धमाकों के बाद टुंडा फरार हो गया था, जिससे 2013 में नेपाल सीमा से पकड़ा गया था। जांच में सामने आया था कि विस्फोट के समय टुंडा आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का विस्फोटक विशेषज्ञ था। मुंबई निवासी जलील अंसारी, नांदेड़ के आजम गौरी और टुंडा ने तजीम इस्लाम उर्फ मुस्लिम संगठन बनाकर बम धमाके किए थे। दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने 1996 में हुए बम धमाकों का भी आरोप टुंडा पर है। 2000 में टुंडा के बांग्लादेश में मारे जाने की सूचना सामने आई थी, लेकिन 2005 में दिल्ली में पकड़े गए लश्कर ए तैयबा के आतंकी अब्दुल रज्जाक मसूद ने टुंडा के जिंदा होने के बारे में सुरक्षा एजेंसियों को जानकारी दी थी। 2001 में संसद भवन पर हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से जिन 20 आतंकियों की प्रत्यर्पण की मांग की थी, उनमें टुंडा का नाम भी शामिल था। टुंडा के खिलाफ 23 मामले कई प्रकार के दर्ज हैं। 1997-98 में उस पर करीब 40 बम धमाके करने का आरोप है। टुंडा उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के कस्बा पिलखुआ का रहने वाला है। जानकारी के अनुसार वो 1980 में पाकिस्तान खुफिया एजेंसी ISI और आतंकी संगठनों के संपर्क में आया था, और इसी दौरान वो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा हुआ था। टाडा कानून के तहत पकड़े जाने वाले आरोपितों की सुनवाई के लिए देश में केवल 3 विशेष न्यायालय हैं। ये न्यायालय अजमेर, मुंबई और श्रीनगर में। उत्तर भारत के जितने भी जो अधिकांश मामले होते हैं, उनमें सुनवाई अजमेर स्थित टाडा न्यायालय में ही होती है। आपको बता दें कि इसकी जांच में संजय दत्त का नाम भी सामने आया था। आपको जानकारी ये भी दे दें कि जब 1993 के बम धमाकों की जांच हुई थी, तो उसमें बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त का नाम सामने आया था। नाम सामने आने के बाद पुलिस उनको गिरफ्तार करने पहुंची थी। संजय उस वक्त मॉरिशस में फिल्म आतिश की शूटिंग कर रहे थे। शूटिंग खत्म करने के बाद जब वो मुंबई लौटे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद संजय दत्त को एयरपोर्ट से सीधे मुंबई क्राइम ब्रांच ले जाया गया था। पूछताछ में संजय दत्त ने ये कबूल किया था कि उनके पास AK-56 है। संजय दत्त पर टाडा एक्ट लगाया गया था और उन्हें जेल भेजा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय दत्त ने सुनील दत्त को ये बात बताई थी कि दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम ने उन्हें कुछ हथियार दिए थे। सुनील दत्त ने जब पूछा तो संजय दत्त ने ये कहा था कि मेरी रगों में मुस्लिम का खून दौड़ रहा है, मुंबई में जो कुछ भी हो रहा है मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। बता दें कि संजय दत्त की मां और सुनील दत्त की पत्नी नरगिस मुस्लिम थी। नवंबर 2006 में संजय दत्त को पिस्तौल और AK-56 राइफल रखने का दोषी पाया गया था, लेकिन उन्हें कई अन्य संगीन मामलों में बरी किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक इन धमाकों के मकसद के बारे में ये कहा गया था कि ये उन मुसलमानों की मौत का बदला लेने के लिए किए गए थे, जो कि पिछले कुछ महीनों में हुए दंगों में मारे गए थे। इसके बाद अब इतने साल बाद आखिरकार ये वक्त ख़त्म हो रहा है कि अब इस मामले को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। इस पर आपके विचार हमारे साथ जरूर साझा करें। बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।